हाय गाइस, मैं हूँ रोशी। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशीज कॉर्नर पर, जहाँ हम बात करते हैं फैशन और स्टाइलिंग की, स्टिचिंग की, डीआईवाईज की, क्योंकि यह है मॉम्स चैनल। सो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी कमेंट्स मिल रहे थे कि मैम आपने जो साड़ी रीयूज में आपने जो दुपट्टा क्रिएट किया है उसका हमें वीडियो सेंड कीजिए। बट आई एम सॉरी, जिस टाइम मैंने ये दुपट्टा क्रिएट किया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि तब मुझे आइडिया भी नहीं था और माइंड में भी नहीं था कि मेरा यूट्यूब पर चैनल होगा, नहीं तो मैं वीडियो ज़रूर बनाती। बट कोई बात नहीं, मैं आपको आज बता देती हूँ कि ये दुपट्टा मैंने कैसे क्रिएट किया है। देखिए, जो साड़ी की विथ होती है वो काफ़ी इतनी चौड़ी होती है और उस दुपट्टे को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने ये हाफ में ही क्रिएट किया है। कि ये देखिए, ये साड़ी की जो विथ होती है ये उसका हाफ है, और ये कैरी करना भी आसान होता है, वो इतना हैवी मेरे लिए तो मुश्किल था संभाल पाना, इसलिए ये मैंने इतना ही क्रिएट किया। इस पर आप सेफ्टी पिन यहाँ लगाइए और आप जो मर्जी कीजिए, दुपट्टा संभालना कोई मुश्किल नहीं है। ये फिर वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये डेमो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करें अपना वीडियो। देखिए, ये मैं आपको पेपर पे कटिंग करनी बता रही हूँ कि मैंने दुपट्टा को कैसे बनाया था। सपोज कीजिए, ये हमारी साड़ी है और ये साड़ी का पल्लू है और ये साड़ी पे बॉर्डर हैं हमारे बने हुए। साड़ी इस तरह से थी मेरी, वो सॉरी मेरे पास वैसी साड़ी नहीं थी, जो दूसरी है उसका पल्लू छोटा है, इस वजह से मैं उसमें बता नहीं पाऊँगी आपको। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले पल्लू को काटा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैंने पल्लू को अलग कर लिया। उसके बाद मैंने इसे क्या किया, इस तरह से फोल्ड कर दिया। इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैंने इसे सेंटर से कट कर दिया। इस तरह से ये मेरे पास दो पीस आ गए थे दुपट्टे के। और साथ ही मैंने क्या किया, जो ये पल्लू का बॉर्डर, ये जो साड़ी का बॉर्डर था, मैंने इसे भी काट लिया। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से मैंने बॉर्डर निकाल लिया। उसके बाद देखिए, मैंने ये दोनों को इस तरह से ज्वाइन करके यहाँ पे इस तरह से सीम लगा दी। देखिए, ये सीम जैसे लगाते हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि इस तरह की सिलाई हम किस तरह से करते हैं, ताकि वो दूसरी तरफ से नज़र ही नहीं आती है और उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। देखिए, जो आपको सीम लगानी है वो बॉर्डर्स को आपस में मिला के और फिर सीम लगानी है। उसके बाद दुपट्टा प्रिपेयर होने के बाद दूसरी साइड आपने ये इस तरह का बॉर्डर लगाना है, इस तरह से एक मैंने सेंटर में सीम लगाई दोनों को ज्वाइन करने के लिए, और एक मैंने साइड पे बॉर्डर की सीम दिया पूरा यहाँ तक। देखिए थोड़ा लंबा है जैसे, ये देखिए इस तरह मैंने अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने दुपट्टा में ये चीज़ मैंने कैसे की है। ये देखिए दुपट्टा में जो सीम है, ये दुपट्टे के दो पार्ट थे,
ये देखिए दुपट्टा के दो पार्ट थे इस तरह से, उसे मैंने ये देखिए बीच में से सीम लगाई है। जो मैंने आपको पेपर पे बताया है, जो पेपर पे आपकी ये सीम आएगी इस तरह से, वो मेरे दुपट्टा पे ये सीम है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया है, जो ये बॉर्डर आपको प्लेस करना है, वो देखिए बॉर्डर मैंने ये लगाया हुआ है। ये देखिए पूरा बॉर्डर दुपट्टा पे इसी तरह से लगा दिया मैंने। ये देखिए लास्ट तक लगा हुआ है ये सीम्स। ये देखिए आपको एक तो ये पूरी सीम लगानी है अपने बॉर्डर की, और दूसरी आपको एक सेंटर में सीम लगानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेंथ और थोड़ी चाहिए साड़ी की, दुपट्टा की, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बॉर्डर आपने ये वाला प्लेस किया है यहाँ लगाया है, इसी को आप थोड़ा और यहाँ पे इस तरह से आगे लगा सकते हैं और इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पे नीचे लगाते जाएं, एक दो जितना भी आपको लेंथ बढ़ानी है आप दोनों तरफ उसे लगा के लेंथ को बढ़ा सकते हैं। मैंने थोड़ा इसे डेकोरेटिव और थोड़ी लेंथ बढ़ाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से लटकन्स बनाई और ये भी लगाई। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बनाया था ये दुपट्टा। और ये जो मैंने ज्वाइन किया है देखिए, बिल्कुल पता नहीं लगता है सीम लगाने के बाद कि सीम लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।